हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सेट के रिमेनिंग सम्स, दैट इज चैप्टर नंबर 2। हमारे इसमें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 7, 11 और 15 ये क्वेश्चंस बाकी है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द 7th क्वेश्चन जो हमारा बाकी था। होप सो आपको दिख रहा होगा अच्छे से 7th क्वेश्चन में। सेवेंथ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ट्राइंगल एबीसी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैं लिख देता हूं यहां पे ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ कर देता हूं। ट्राइंगल एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ओके। फिर आपको बोला हुआ है पॉइंट पी इज ऑन द साइड बीसी। इस साइड पे कहीं पे पॉइंट पी है और वो पॉइंट पी कहां पे होगा उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया है। पॉइंट पी इज ऑन द बेस बीसी एंड पीसी इज 1/3। मतलब P यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए, जो P से C वाला पार्ट है ये पूरे का 1/3 पार्ट है, मतलब छोटा सा पार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे ले लिया पॉइंट P, PC इज 1/3 ऑफ BC दिया है, AB 6 दिया हुआ है, AB 6 सेंटीमीटर है और AP आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो गिवन वाले पार्ट में आपको दिया हुआ है ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें ए बी जो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है और पी सी जो दिया है 1/3 ऑफ बी सी है। मुझे यहां पे 2 फाइंड करना है ए पी। कंस्ट्रक्शन करता हूं मैं, ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ड्रॉ ए डी perpendicular to BC such that B dash D dash P dash C, ये चारों एक ही लाइन में इस तरह से लिख दिया। सॉल्यूशन, इक्विलेटरल ट्राइंगल होने से ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा 60 डिग्री, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री और सेम वे में ये वाला एंगल भी 60 डिग्री, ठीक है। तो मैं इस तरफ वाला एंगल का यूज नहीं करके मैं इस तरफ वाला एंगल का यूज कर रहा हूं, ये राइट एंगल ट्राइंगल एडीसी लेके सॉल्व करना है हमको, ठीक है। सो ये एंगल 60 डिग्री है तो इन ट्राइंगल एडीसी, इन ट्राइंगल एडीसी एंगल एडीसी क्या है 90 डिग्री, एंगल एसीडी क्या है 60 डिग्री, तो एंगल डीएसी क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल डीएसी इज इक्वल टू 30 डिग्री और इसका रीजन आ जाएगा रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो इससे क्या हो गया, ये 60 है, ये 90 है, ये 30 डिग्री मिल गया, तो ट्राइंगल डी ए सी क्या हो गया, ट्राइंगल एडीसी क्या हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल ए डी सी इज 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल एडीसी क्या हो जाएगा 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री ट्राइंगल। तो आपको पता है साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या होता है, रूट 3/2 इनटू हाइपोटेन्यूस। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या हो गया एडी, वो हो जाएगा रूट 3/2 इनटू हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा एसी। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज रूट 3/2 इनटू हाइपोटेन्यूस, रूट 3/2। ये देखो ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा और ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। व्हाई? बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल, तो रूट 3/2 इंटू 6 हो जाएगा और इधर लिख देता हूं सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी आपस में इक्वल है तो ये रूट 3/2 इंटू 6 हो गया। 2 3 6 कट कर दिया, लेंथ ऑफ एडी मिल गया 3√3। एक बार साइड अपोजिट टू 30 डिग्री 60 डिग्री ले लिया, इसका रीजन आ जाएगा साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। अब साइड अपोजिट टू 30 डिग्री लेते हैं, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या है डीसी, डीसी क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री होता है हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस हाफ ऑफ एसी। डीसी के लिए हाफ ऑफ एसी, एसी क्या है 6 है क्योंकि एबी और एसी सेम है, तो हाफ ऑफ 6 क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए, एक बार आपको साइड अपोजिट टू 30 डिग्री करना है, एक बार आपको साइड अपोजिट टू 60 डिग्री करना है। अब आपको ये इंफॉर्मेशन का यूज लेना है, पीसी इज 1/3 ऑफ बीसी,
ऑल्सो पीसी इज वन थर्ड ऑफ बीसी, वन थर्ड ऑफ सिक्स, सिक्स का वन थर्ड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ पीसी मिल गया 2 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर, यहां तक हो गया हमारा। अब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, डीसी में से मुझे, डीसी में से डीसी वाला पार्ट क्या होता है, ये जो लेंथ ऑफ डीसी है, लेंथ ऑफ डीसी क्या हो जाएगा, डीसी इज इक्वल टू डीपी प्लस पीसी, डीसी क्या हो जाएगा डीपी प्लस पीसी, होप्स आपको दिख रहा है, यस, डीसी इज इक्वल टू डीपी प्लस पीसी। डीसी की वैल्यू कितनी मिली मुझे, डीसी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर मिली, डीपी की वैल्यू नहीं पता, डीपी की वैल्यू नहीं पता, और पीसी की वैल्यू क्या है, पीसी की वैल्यू मैंने फाइंड कर दी 2 सेंटीमीटर है, तो ये 3 माइनस 2 कर दूंगा तो ये लेंथ ऑफ डीपी हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ डीपी क्या हो गया 1 सेंटीमीटर मिल गया, लेंथ ऑफ डीपी मिल गया 1 सेंटीमीटर, मतलब ये 1 सेंटीमीटर है, और एडी हम लोग ने फाइंड कर दिया, लेंथ ऑफ एडी क्या है 3√3 है। सो अब मैं ट्राइंगल एडीपी, इन ट्राइंगल एडीपी एंगल एडीपी इज इक्वल टू 90 डिग्री लेके सॉल्व करूंगा, एंगल एडीपी 90 डिग्री लेके सॉल्व करूंगा, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो एपी स्क्वायर तो मुझे फाइंड करना है एपी की वैल्यू, एडी क्या है 3√3 उसका स्क्वायर, डीपी क्या है 1 उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, ये क्या हो गया 27 प्लस 1 28, तो एपी क्या हो जाएगा √28, एपी क्या हो जाएगा 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 7, एपी क्या होता है 28 क्या होता है 4 × 7, तो अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 2 × 7√ के अंदर एपी इज इक्वल टू 2√7 सेंटीमीटर। डन, ये हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, काफी अच्छा क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन और 16th क्वेश्चन सेम है, तो अभी पहले 16th क्वेश्चन कर देते हैं, पहले मैं 16th क्वेश्चन कर देता हूं क्योंकि 7th और 16th सेम है, ठीक है। अब 16th क्वेश्चन देखते हैं, 16th क्वेश्चन में इस डायग्राम थोड़ा इस तरफ कर देता हूं, ये परपेंडिकुलर का साइन नहीं दिया लेकिन ये परपेंडिकुलर है, एस क्यू टी 60 डिग्री, ये पी, ये आर, क्या क्या दिया है हमें, ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्यू एस इज 1/3 ऑफ क्यू आर, टू प्रूव क्या करना है 9 PS² इज इक्वल टू 7 PQ², 9 PS² इज इक्वल टू 7 PQ², ये हमें प्रूव करना है, बहुत सिंपल चीज है, सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। तो ये ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल इन ट्राइंगल, सेम स्टेटमेंट से सारे देखो, इन ट्राइंगल PQT एंगल PQT इज 60 डिग्री, PQT 60 डिग्री है, एंगल PTQ इज 90 डिग्री, तो एंगल QPT क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल QPT इज इक्वल टू 30 डिग्री, रीजन आ जाएगा रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल PQT क्या हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल PQT इज 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल,
ये किया था सबसे फर्स्ट स्टेप, फिर हम लोग ने साइड अपोजिट टू 60 डिग्री किया था, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है पीटी, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या होता है रूट थ्री अपॉन टू इंटू हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है पीक्यू है, मुझे प्रूफ में पीक्यू चाहिए ना, तो मैं हर एक टर्म्स को पीक्यू के फॉर्म में लेके आ जाऊंगा, ठीक है, जो भी मुझे दिया है उसको पीक्यू के फॉर्म में लेके आ, ये फाइंड कर लिया, इसका रीजन आ जाएगा साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। अब हम लोग सॉल्व करेंगे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री के लिए, साइड अपोजिट टू ये एंगल 30 डिग्री है, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या हो गया क्यू टी, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होता है हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का हाफ ऑफ पी क्यू हो गया लेंथ ऑफ क्यू टी, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। अब एस टी फाइंड करते हैं, एस टी क्या है वन थर्ड ऑफ क्यू आर, एस टी इज वन थर्ड, एस टी नहीं क्यू एस, क्यू एस क्या है QS ही दिया है ना कि ST दिया है, QS is one third of QR, जो QS है one third of QR है, तो QR को replace करके one third of QR आपको दिया हुआ है, तो QR को replace करके one third of PQ लिख दूँ इसको, क्यों, क्योंकि QR और PQ equal है, all sides of an equilateral triangle are equal, इसके लिए QR और PR PQ equal, इसके लिए QR के बदले मैंने PQ लिख दिया। इसके बाद मैंने क्या किया फाइंड किया था, ऐसा स्टेटमेंट दिया था लेंथ ऑफ क्यू टी क्या होता है लेंथ ऑफ क्यू एस प्लस लेंथ ऑफ एस टी, लेंथ ऑफ क्यू टी क्या होता है क्यू एस प्लस एस टी, वो थ्री माइनस टू किया था ना प्रीवियस समय वन सेंटीमीटर में ना था, वैसे लेंथ ऑफ क्यू टी क्या है पी क्यू अपॉन टू, हाफ ऑफ पी क्यू मतलब पी क्यू अपॉन टू, लेंथ ऑफ क्यू एस क्या है पी क्यू अपॉन थ्री प्लस लेंथ ऑफ एस टी, ये इधर ले लेता हूं PQ upon 2 minus PQ upon 3 is equal to HT, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 3 1 जा 3, 3 PQ, 2 1 जा 2, minus 2 PQ, 3 2 जा 6 is equal to HT, यहां तक हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे इसमें, होप सो आपको दिख रहा होगा 3 PQ minus 2 PQ, yes। तो ये 3PQ में से 2PQ गया तो एक PQ बचेगा सिर्फ, नीचे 3 2 जा 6 है और ये किसका आंसर मिला ST का आंसर मिला, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था ट्राइंगल PST में पाइथागोरस थ्योरम किया था, इन ट्राइंगल PST एंगल PTS इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आपको ड्रॉ करना है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है लेकिन वो मिस्टेक है, आपको यहाँ पे 90 डिग्री रखना है, ठीक है, उसके बिना नहीं होगा सम, तो उससे क्या हो जाएगा पी ए स्क्वेर, पी ए स्क्वेर इज इक्वल टू पी टी स्क्वेर प्लस एस टी स्क्वेर, पी टी स्क्वेर प्लस एस टी स्क्वेर विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, वैल्यूज पुट कर देते पी ए स्क्वेर तो एज़ इट इज़ रहेगा, लेंथ ऑफ पी टी, लेंथ ऑफ पी टी कहां पे फाइंड किया रूट थ्री अपॉन टू इंटू पी क्यू, इसका वैल्यू लिख दिया, एस टी की वैल्यू क्या है PQ upon 6 का square, root 3 का square 3, 2 का square 4, PQ square, ये क्या हो गया PQ square upon 6 का square 36, तो 4 और 36 का LCM क्या हो जाएगा 36 होगा, तो multiply throughout by 36, multiply throughout by 36, तो ये 36 PA square हो गया, ये क्या हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4 PQ स्क्वायर और ये 36 मल्टीप्लाई बाय PQ स्क्वायर अपॉन 36, तो ये 36 PA स्क्वायर इज इट इज 4 9 जा 36 हो गया और 9 3 जा 27 27 PQ स्क्वायर, ऊपर नीचे 36 गया सिर्फ PQ स्क्वायर बचा, तो 36 PA स्क्वायर इज इक्वल टू 28 PQ स्क्वायर और दोनों को डिवाइड फोर बाय क्या करोगे डिवाइड फोर बाय 4 कर दो तो 4 9 जा 36 4 7 जा 28 हेंस प्रूव 9 पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वायर, देख सकते हैं आप लोग। C
सेम फॉर्मेट था, सेम सारे स्टेप सेम थे क्वेश्चन नंबर 7th और 16 के। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। कुछ इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है। ए बी सी एम एल गिवन वाले पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, एंगल बी ए सी इज 90 डिग्री, बी एल एंड सी एम आर मीडियंस। टू प्रूव करना है मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, टू प्रूव करना है 4 × BL² प्लस सी एम स्क्वेर इक्वल्स टू 5 BC² बहुत सिंपल चीज है। लाइन वाइज चलते हैं। मुझे ये सारी चीजें चाहिए, बीएल स्क्वायर चाहिए, सीएम स्क्वायर चाहिए और बीसी स्क्वायर चाहिए। एक एक करके पाइथागोरस थ्योरम करते हैं, ठीक है। बीएल स्क्वायर के लिए सबसे पहले मुझे पता है, ये देखो ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा बीएल स्क्वायर के लिए। इन ट्राइंगल बी एल ए एंगल बी ए एल, ये 90 डिग्री है, एंगल बी ए एल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम बी एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, BL square is equal to AB square plus AL square। तो BL square is equal to AB square plus AL square। AL क्या है, half of AC है, AL is half of AC। क्यों है half of AC, क्योंकि BL median है, median क्या करता है इन दोनों को equal part में cut करता है। तो AL, तो BL square is equal to AB square plus AL के बदले क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ ए सी का स्क्वायर। क्या लिख देना है, बीएल इज मीडियन। सो अगर मैं देखूंगा तो ये हो जाएगा बीएल स्क्वायर ए बी स्क्वायर, हाफ का क्या हो जाएगा 1/4 AC² इसको दे देते स्टेटमेंट नंबर 1। बीएल स्क्वायर का काम खत्म। अब किसका काम लेना है हमको, सीएम स्क्वायर। सीएम स्क्वायर ब्रैकेट में है ना, इसके लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया, पहले इन दोनों को एड करूंगा फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब सीएम स्क्वायर के लिए ट्राइंगल सी एम ए, इन ट्राइंगल सी एम ए एंगल सी ए एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर एज इट इज। ए एम क्या है, हाफ ऑफ ए बी है, एम को ले लिया हाफ ऑफ ए बी का होल स्क्वायर और इसका रीजन क्या आ जाएगा, सी एम इज द मीडियन, सी एम इज द मीडियन। तो ए एम क्या हो गया, हाफ ऑफ ए बी का और ये होल स्क्वायर। तो सी एम स्क्वायर क्या बचेगा, ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 AB² ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 2। दो बार पाइथागोरस थ्योरम करके दो कंक्लूजन मिले। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, बीएल स्क्वायर और सीएम स्क्वायर के बीच में एडिशन का। एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, बीएल स्क्वायर प्लस सीएम स्क्वायर ऐड हो गया और इधर क्या है एबी स्क्वायर, एबी स्क्वायर के साथ 1/4 AB² लिख देता हूं और 1/4 AC² के साथ ये वाला एसी स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है। मैंने डायरेक्टली अरेंज करके लिख दिया, ये इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया। डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है तो 4 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 4। तो इसको क्या लिख देता हूं, इसको इस फॉर्मेट में लिखता हूं, ये फॉर्मेट में लिख दो, 4 बाहर बीएल स्क्वायर प्लस सीएम स्क्वायर, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 4 AB², यहां पे ऊपर नीचे 4 कैंसिल, सिर्फ ए बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे ऊपर नीचे 4 कैंसिल, सिर्फ एसी स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया 4 AC² 4 × BL² प्लस CM² एज इट इज
फोर एबी के साथ एबी करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइव एबी स्क्वायर। एसी स्क्वायर के साथ फोर एसी करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइव एसी स्क्वायर। फाइव कॉमन ले लेंगे, एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, तो यहां पे क्या है, फोर इंटू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। तो एबी स्क्वायर देखो ध्यान से, एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर ये पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर हो जाएगा। तो एबी स्क्वायर और एसी स्क्वायर के बदले क्या लिख देता हूं, फोर बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव बी सी स्क्वायर। ये आपको अलग से स्टेप बता देना है जिससे ये प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूव एकदम सिंपल है। ओके चलो ये सम भी हो गया, अब एक्सरसाइज का लास्ट सम 15 सम, और इंपॉर्टेंट सम है 15। इंपॉर्टेंट मतलब बहुत लेंथी है ज्यादा, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देना है, देखना है। फिफ्टीन सम, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। देखो इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए से सी, बी से बी, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 15 है, ये 15 है, ये 25 है। तो फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। सो सबसे पहले तो मुझे यहां पे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा, डी से यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और सी से यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए बी, डीएम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी एम परपेंडिकुलर टू ए बी, दोनों को ए बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये जो 25 है यहां से लेके यहां तक का पार्ट 25 है, ओके। सॉल्यूशन लाते हैं इसका, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल एडीबी ले लो, ट्राइंगल एडीबी स्टेप नंबर वन क्या है, इन ट्राइंगल एडीबी, एडीबी में पाइथागोरस थ्योरम कर दो, इन ट्राइंगल एडीबी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख रहे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी क्या है, 25 का स्क्वायर, ए डी की वैल्यू क्या है, 15 का स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 15 का स्क्वायर 225 प्लस डी बी स्क्वायर, 625 में से 225 माइनस करते हैं तो आएगा डी बी स्क्वायर, 625 में से 225 चला गया तो क्या बचेगा, 400 और इधर क्या आएगा, डी बी स्क्वायर। तो ये रूट 400 कर देता हूं इज इक्वल टू डी बी, और डी बी का आंसर क्या आ जाएगा, 20, डी बी इज इक्वल टू 20, ठीक है। मैंने लेंथ ऑफ डी बी फाइंड कर दिया, इज दैट क्लियर, लेंथ ऑफ बीबी फाइंड कर दिया 20। अब लेंथ ऑफ बीबी मिल गया 20, लेंथ ऑफ बीबी मैंने फाइंड कर दिया 20, ठीक है। अब ये यहां तक हो गया, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी, अब मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी, पहले हम लोग ने 20 फाइंड कर दिया, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी अगर मैं देखूंगा तो वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एडीबी में ये ट्राइंगल में एक बार मैं बेस क्या ले रहा हूं, एबी, बेस एबी ले रहा हूं, एक काम करते पहले बेस ए बी नहीं लेते, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी में आपको क्या दिया है, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए डी, ऑलवेज हाइट इज परपेंडिकुलर टू बेस, तो बेस क्या हो जाएगा डी बी, बेस बी बी है, हाइट क्या है ए डी, ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 15
टू टेन से 20 कट हो गया 150 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी मिल गया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी जिसमें मैंने इसको बेस लिया और ये हाइट है, स्टेटमेंट वन। अब मैं फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी सॉल्व कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, ए बी को बेस ले रहा हूं और डीएम को हाइट ले रहा हूं, ए बी बेस और डीएम हाइट, दो तरीके से कर सकते हैं एरिया, इसके लिए हमने किया। तो एरिया तो हमको पता है 150 मिल चुका है, ये हाफ, लेंथ ऑफ ए बी कितना है 25 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ डीएम, तो 150 इंटू 2 अपॉन 25 इज इक्वल टू डीएम, 25 6 जा 150 होता है, 6 2 जा 12, लेंथ ऑफ डीएम क्या हो गया 12, ये लेंथ ऑफ डीएम मिल गया 12। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 12 मिल गया, ये 12 होगा तो ये भी 12 ही होने वाला है, सिमिलरली ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल ए डी एम में पाइथागोरस थ्योरम करते हैं। ट्राइंगल ए डी एम, इन ट्राइंगल ए डी एम एंगल ए एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एम स्क्वेयर प्लस डी एम स्क्वेयर, पाइथागोरस थ्योरम। तो AD क्या है 15 का स्क्वायर, AM नहीं पता, BM क्या है 12 का स्क्वायर, यहां से मिल गया 225 AM स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, ये 225 और ये 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 81, AM क्या हो जाएगा रूट 81, AM क्या आ गया 9, AM की वैल्यू 9 मिल गई। सिमिलरली बीएम भी 9 हो जाएगा क्योंकि ये 15 नहीं ये 12 है, तो क्या लिख देता हूं देयरफॉर सिमिलरली क्या हो जाएगा बीएम भी 9 हो जाएगा, ये 9 है और ये 9 है। अब पूरा ए से लेके बी क्या है 25 है, ध्यान से देखो ए से लेके बी क्या है 25 है, ए बी किससे बनता है एएम प्लस एमएन प्लस बीएन, ये 25 है, AM क्या है 9, MN नहीं पता, BN क्या है 9, 9 प्लस 9 18, यहां पे आके 18 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इधर बचेगा MN, ये मिल गया 7, MN इज 7, इज दैट क्लियर। अब अगर मैं ध्यान से देखूंगा ये दोनों लाइन सेम लाइन से परपेंडिकुलर है, ये MN क्या मिल गया 7, ये दोनों DM इज परपेंडिकुलर टू AB, DM is perpendicular to AB and CN is also perpendicular to AB, therefore DM, therefore ये इससे perpendicular है, तो इस पार्ट से क्या मिल जाएगा quadrilateral DMNC is a rectangle, DMNC क्या हो जाएगा rectangle, दोनों same line से perpendicular है और ये दोनों आपस में trapezium है तो ये आपस में parallel भी है, तो इससे क्या पता चल जाएगा ये पूरा पार्ट क्या हो गया रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो MN इज इक्वल टू DC क्या हो जाएगा, MN इज इक्वल टू DC क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये 7 है तो ये भी 7 हो गया सेंटीमीटर, रिसीव 7, MN इज इक्वल टू 7, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC डिफाइन करना है, और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी मतलब वो क्या है ट्रेपेजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पहला पैरेलल साइड्स क्या है डीसी, सेकंड पैरेलल साइड क्या है एबी, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट एएम बीएम ले लो या तो सीएन ले लो एक ही बात है, मैं डीएम ले लेता हूं, डीसी की वैल्यू 7 है, एबी की वैल्यू 25 है, DM की वैल्यू है 9, सॉरी DM की वैल्यू है 12, तो ये हाफ इंटू 32 इंटू 12, 216 जा 32, 12 6 जा 72, 7 कैरी 12 जा 12 प्लस 7 192 स्क्वायर यूनिट्स, दैट्स ऑल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD मिल जाएगा 192 स्क्वायर यूनिट्स, इज दैट क्लियर। सो यहां पे लेक्चर और ये चैप्टर दोनों ओवर हो जाते हैं, इज दैट क्लियर, चलिए देन।